सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में उतरे छात्र संगठन, कई छात्र संगठनों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। हरियाणा सरकार का जलाया पुतला। रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में अब कई छात्र संगठन उतर गए हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इन छात्र संगठनों ने मिलकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और गेट पर सरकार का पुतला जलाया। छात्रों का कहना है कि सरकार द्वारा रोडवेज का निजीकरण हो रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को नुकसान होगा। इस दौरान इन्होंने भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। आज हमने सभी छात्र संगठनों के साथ मिलकर छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है। और हरियाणा सरकार का पुतला इसलिए फूंका है क्योंकि हरियाणा सरकार जो है जो छात्र विरोधी कदम उठा रही है, सरकार जो बसें हैं उनका प्राइवेट करना चाहती है, प्राइवेट परमिट देना चाहती है, जिसके कारण छात्र समुदाय पढ़ाई से वंचित हो जाएगा। यात्राओं के साथ छेड़खानी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट बसों में न तो बस पास मान्य होता है, न वो टाइम से चलती हैं। छेड़खानी गुंडागर्दी जो मनमानी वो उस प्राइवेट बसों में होती है वो भी एक कारण है। और जो छात्रों ने 1979 में लड़कर के जो छात्रों ने बस पास की सुविधा ली थी वो ख़त्म हो जाएगी और आगे जो हम छात्र पढ़ करके जो रोज़गार हासिल करना चाहते हैं वो रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक रोडवेज के ऊपर 7 कर्मचारियों को रोज़गार मिलता है, छात्रों को रोज़गार मिलता है, ये सब खतरे में हो जाएगा। इसी कारण सभी छात्र समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए हम छात्र जो कर्मचारियों के साथ मिल करके पूरे हरियाणा में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि प्राइवेट बसें ना आए और सरकारी बसों की जो संख्या बढ़ाई जाए ताकि शिक्षा भी बची रहेगी और रोजगार भी बचा रहेगा। और शिक्षा रोजगार बचेगी तो देश भी बचेगा। हम कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन को मिलेंगे। आज यहाँ पर MD यूनिवर्सिटी में सभी छात्र संगठनों ने मिलकर खट्टर सरकार का पुतला फूंका है। ये इसलिए फूंका गया है क्योंकि जो लगातार तानाशाह की दमन की नीति अपना रही है, आज रोडवेज के निजीकरण के लिए उन्होंने जो परमिट निकाले हैं उनको रद्द किया जाए। हमारी ये सभी छात्र संगठनों की तरफ से डिमांड है हरियाणा गवर्नमेंट से और हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो भी इस चीज़ को समझें कि उनके बच्चों के लिए रोज़गार है और जो उनको 42 तरह की सुविधाएँ मिलती हैं वो उनको आराम से मिल जाएँ। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ निजीकरण का विरोध किया जाए। हम लोगों ने यहाँ हरियाणा सरकार के खिलाफ पुतला फूंका है। हरियाणा सरकार जो प्राइवेट परमिट लेगा रियमुश के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि रोडवेज बसों का निजीकरण ना हो क्योंकि अगर रोडवेज बसें बंद हो गई तो उनमें ना तो बस प्राइवेट बसों में बस पास चलेगा और ना ही लड़कियाँ सुरक्षित सफर कर सकेंगी। उन लड़कियों के साथ छेड़खानी भी बढ़ती है, उस छेड़खानी होती है प्राइवेट बसों में ही है। मतलब सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये घोषणा बिल्कुल झूठा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल झूठा है क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा छेड़खानी होगी, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा। सरकारी बसों का होना जरूरी है, छात्रों के लिए सरकारी बसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं।